हेलो फ्रेंड्स, मैं परमेंद कुमार। अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जो कि माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का है। नेक्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट डिवाइस जो कि अगला चैप्टर है, ठीक, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस क्या होते हैं। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस और बल्क डिवाइसेस। ठीक है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस क्या होते हैं? बल्क डिवाइसेस होते हैं जिसमें कोई भी जंक्शन नहीं होता, ना ही गेट, एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर्स जो कि ऑपरेट करते हैं आइदर जंक्शन या गेट के साथ। ठीक है, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस जैसे आप जानते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल BJT हुआ, FET हुआ, ठीक है, इन सबको हम पढ़ते हैं, लेकिन इनकी थ्योरी क्यों हम अप्लाई नहीं करते हैं या इनकी थ्योरी क्यों अप्लाई नहीं होती है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में, हम देखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे कि हम बात करते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस जो कि क्या होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड हुआ आपका, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड जिसमें क्या है, कोई भी जंक्शन नहीं होता है, कोई भी जंक्शन नहीं होता है, यानी जीरो जंक्शन होता है। ठीक, लेकिन हम बात करते हैं BJT, FET, डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक, इन सब में क्या होता है, जंक्शन होता है। इसलिए इसकी जो थ्योरी है, जैसे हम BJT बात कर रहे हैं, FET, डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब की थ्योरी अप्लाई नहीं होती है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में, क्योंकि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में क्या होता है, कोई भी जंक्शन ना ही गेट होता है, ना कोई जंक्शन होता है और ना ही गेट होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि इसमें कोई जंक्शन नहीं होता है, आप जैसे जानते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, जैसे हम जो है ट्रांजिस्टर वगैरह, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, आप जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है, एलिमेंटल कंपाउंड, ये क्या है, एलिमेंटल कंपोनेंट, यानी कि एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैलियम आर्सेनाइड है, GaAs, इंडियम फॉस्फाइड और कैडमियम टेलोराइड, ये सब क्या हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं। तो हम बात करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो आपके क्या है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, लेकिन यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये हो गए, तो इसीलिए दूसरी चीज़ ये आ गई कि हम लोग जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये इसमें क्या है, एलिमेंटल कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए भी हम इनकी थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला जो है डिफरेंस, आप जानते हैं कि जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, इसमें यूज होते हैं हॉट इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो नॉर्मली ट्रांजिस्टर है उसमें क्या होते हैं, वार्म इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, वार्म इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हॉट इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं आपके ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में, जबकि आप जानते हैं कि जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें क्या यूज होते हैं, वार्म इलेक्ट्रॉन। ठीक, मैं हॉट और वार्म इलेक्ट्रॉन आपको बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि थर्मल एनर्जी क्या होती है, थर्मल एनर्जी आप जानते होंगे, ठीक, थर्मल एनर्जी जो होती है वो होती है 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप जानते हैं थर्मल एनर्जी होती है। ठीक, तो थर्मल एनर्जी क्या होती है, 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, हॉट इलेक्ट्रॉन जो कि यूज होते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में, इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है थर्मल एनर्जी से। ठीक है, तो हॉट इलेक्ट्रॉन जो यूज हो रहे हैं, इसकी जो एनर्जी होगी क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, किससे, थर्मल एनर्जी से। ठीक, लेकिन जो वार्म इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं वो नॉर्मल ट्रांजिस्टर में, उसकी जो एनर्जी होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है थर्मल एनर्जी से। ठीक है,
तो इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर की थ्योरी हम इसलिए भी अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये दो तीन रीजन हो गए जिसकी वजह से क्या है अप्लाई नहीं कर सकते हैं थ्योरी जो है नॉर्मल ट्रांजिस्टर की। तो मैंने आपको बताया, एक तो हो गया आपका, जैसे आपने देखा कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्या यूज होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर, और जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के हैं आपके एलिमेंटल कंपोनेंट, ठीक है, एलिमेंटल कंपोनेंट यानी एलिमेंट्स हैं। दूसरी चीज़, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में क्या होता है, ना ही जंक्शन होता ना गेट होता है, जबकि हम बात करते हैं BJT FET ट्रांजिस्टर, इन सब में क्या होता है, गेट होता है और जंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये जो आपके ट्रांजिस्टर वगैरह इनमें क्या जंक्शन होते हैं, और जबकि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में कोई भी जंक्शन नहीं होता है, ठीक है। और मैंने आपको नेक्स्ट जो डिफरेंस बताया कि जो आप बात करते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में, तो इसमें यूज होते हैं हॉट इलेक्ट्रॉन्स, और जबकि नॉर्मल ट्रांजिस्टर में क्या यूज होते हैं वार्म इलेक्ट्रॉन। हॉट इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी क्या होती है 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि जब हम बात करते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस में, तो हॉट इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है थर्मल एनर्जी से, लेकिन वार्म इलेक्ट्रॉन में क्या होता है एनर्जी जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है थर्मल एनर्जी से, ठीक। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से हम जो हैं आपके सिलिकॉन जर्मेनियम ये यूज नहीं कर सकते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में जो है कौन सा होता है, वो गन डायोड होता है। तो गन डायोड की थ्योरी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, गन डायोड का वर्किंग कंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करता है, फिर देन करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कर्व होगा उसकी हम स्टडी करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू।